राजवीर सेड, राजवीर कहता है दैट नो वन रियली नो, कि कोई भी वास्तव में जानता नहीं है हु डिस्कवर्ड टी, कि चाय की खोज किसने की। ही टोल्ड प्रांजल दैट देयर वर मैनी लीजेंड्स अटैच्ड टू डिस्कवरी ऑफ टी। वह प्रांजल को बताता है, ही टोल्ड प्रांजल दैट देयर वर मैनी लीजेंड्स, कि बहुत सारे मैनी लीजेंड्स का मतलब बहुत सारे जो थे लीजेंड्स अटैच्ड टू डिस्कवरी ऑफ टी, इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो मतलब चाय की खोज की थी जिन्होंने। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी ऑफ चाइनीज, एक चाइनीज स्टोरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी ऑफ चाइनीज, एक चाइनीज स्टोरी के अनुसार चाइनीज किंग डिस्कवर्ड टी बाय चांस, मतलब जो चाइना का जो किंग था उसने जो चाय की खोज की वो बाय चांस हो गई, ठीक है। ही ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, वह हमेशा बॉइल्ड उबालता था, वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, पानी को पीने से पहले, बिफोर का मतलब पहले, ड्रिंकिंग का मतलब पीना। ही ऑलवेज का मतलब हमेशा, बॉइल्ड का मतलब उबालना, वाटर का मतलब पानी, बिफोर का मतलब पहले, ड्रिंकिंग का मतलब पीना। वह पहले पानी को उबालता था उसको पीने से पहले। वन डे एक दिन, ही फ्यू लीव्स, वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर। एक दिन क्या हुआ कि जो जिससे वो चाय उबाल रहा था उन टहनियों से, ट्विग से मतलब झाड़ियां या टहनियां, जिनसे वो उबाल रहा था उन टहनियों से, उसमें से कुछ पत्ते पॉट फेल, मतलब उसमें गिर गए, जिस पॉट में वो उबाल रहा था उसमें, फेल का मतलब गिरना, इनटू द वाटर पानी में गिर गए कुछ पत्ते। एज ए रिजल्ट द बॉइल्ड वाटर गॉट ए डिलीशियस फ्लेवर, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो पानी उबल गया था बॉइल्ड वाटर गॉट ए डिलीशियस फ्लेवर, वह एक डिलीशियस फ्लेवर में, स्वादिष्ट पेयजल में या स्वादिष्ट फ्लेवर में बदल गया। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, यह कहा जाता है कि वो जो पत्ते थे वो चाय के पत्ते थे, लीव्स का मतलब पत्ते, टी का मतलब चाय। अकॉर्डिंग टू अनदर इंडियन लीजेंड, एक और जो मतलब अनदर इंडियन था वो क्या, बोधि धर्मा, जो बौद्ध धर्म के लोग थे, एंड एनिशंट बुद्धिस्ट मॉन्क, जो मतलब वो साधु वगैरह थे बौद्ध धर्म के, वो फेल्ट स्लीप ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब वो समाधि पर बैठते थे तो उनको क्या होता था, नींद आनी स्टार्ट हो जाती थी, तो उन्होंने क्या किया, सो ही कट ऑफ हिज आई लाइन्स, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सो ही कट, तो उन्होंने कट कर ली ऑफ हिज आई लाइन्स, अपनी पलके, तो उसने क्या किया, अपनी पलकों को काट लिया। टेन टी प्लांट ग्रू का मतलब उगना, प्लांट का मतलब पौधे, टी का मतलब चाय, आउट ऑफ द आई लीड्स, तो क्या हुआ, 10 चाय के पौधे, ग्रू का मतलब उगना, उग आए उसकी पलकों के ऊपर। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश स्लीप, जब इन चाय के पत्तों को पानी में उबाला गया तो उसको जब पिया गया तो बैनिश स्लीप, नींद भाग गई। इट इज बिलीव्ड दैट टी वाज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना इन 2700 BC, यह माना जाता है, बिलीव्ड का मतलब माना जाना, दैट टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, पहली बार चाइना में पी गई चाय 2700 में, ठीक है। वर्ड्स लाइक चाय, जो वर्ड्स, जो चाय का वर्ड्स है, एंड चीनी आर चाइनीज, जो ये चाय और चीनी के वर्ड है ये चाइनीज वर्ड है। टी कम टू यूरोप इन 16th सेंचुरी,
जो चाय यूरोप में आई वो 16वीं शताब्दी में आई एज फर्स्ट इट वॉज यूज मोर एज ए मेडिसिन दैट एज ए बीवरेज. सबसे पहले इसको हम एज ए मेडिसिन यूज किया गया, देन इसको बीवरेज के रूप में यूज किया गया. तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि इसकी खोज जो बता रखा है राजवीर ने कि भाई कोई वास्तव में कोई नहीं जानता. राजवीर सेड, राजवीर कहता है दैट नो वन रियली नो, मतलब कोई नहीं जानता वास्तव में. नो हु डिस्कवर्ड टी, मतलब चाय की खोज किसने की. राजवीर सेड दैट नो वन रियली नो हु डिस्कवर्ड टी. ही टोल्ड प्रांजल दैट देयर वर मैनी लीजेंड्स अटैच्ड टू डिस्कवरी ऑफ टी. उसके अनुसार प्रांजल को वह बता रहा है कि बहुत सारे लीजेंड्स इस चाय की इससे जुड़े हुए हैं डिस्कवरी से. अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी ऑफ चाइनीज किंग डिस्कवर्ड टी बाय चांस. एक कथा के अनुसार, एक कहानी के अनुसार जो चाइना का किंग था उसने चाय की खोज बाय चांस कर दी. ही ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. वह हमेशा चाय को मतलब पानी को उबाल के पीता था. वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर. एक दिन क्या हुआ कि जो वो पत्ती उबाल रहा था उस पानी को, उसमें से कुछ पत्तियां टूट के, उस टहनियों की पत्तियां टूट के उस पानी में गिर गई. एज ए रिजल्ट द बॉइल्ड वाटर गॉट ए डिलीशियस फ्लेवर. उससे क्या हुआ कि वो जो पानी उबल रहा था वो एक डिलीशियस फ्लेवर बन गया, स्वादिष्ट पेयजल बन गया. इट इज सेड दे वर टी लीव्स. यह कहा जाता है कि ये चाय के पत्ते थे. अकॉर्डिंग टू अनदर इंडियन लीजेंड, एक अनदर इंडियन लीजेंड के अनुसार बोधिधर्मा, जो बोधिधर्मा के लोग थे, एंड एनिशियंट बुद्धिस्ट मॉन्क फेल्ट स्लीप ड्यूरिंग मेडिटेशन. तो क्या था कि ना जो मतलब एक जो बोधि धर्म के लोग थे वो जब भी समाधि में बैठते थे तो उनको नींद आने लग जाती थी. सो ही कट ऑफ हिज आई लीड. तो उन्होंने क्या किया, अपने पलके काट ली. 10 ट्री प्लांट ग्रू आउट ऑफ द आई लाइड. और उसके ऊपर 10 पत्तियां उगाए, प्लांट्स उगाए, पौधे उगाए. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट व्हेन पुट इनटू हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप. जब इन पत्तियों को उबाल के पिया गया तो क्या हुआ कि उससे उनकी नींद भाग गई. इट इज ए बिलीव्ड दैट टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन 2700 BC. वर्ड्स मतलब जो चाय पहली बार, मतलब यह माना जाता है कि सबसे पहले चाय 2700 ईस्वी में चाइना में पी गई. वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर चाइनीज. जो वर्ड है चाय के और चीनी के, ये चाइनीज वर्ड है. टी कम टू यूरोप इन 16th century. और जो चाय यूरोप में आई वो 16वीं शताब्दी में आई. एज फर्स्ट इट वॉज यूज मोर एज ए मेडिसिन देन एज ए बीवरेज. सबसे पहले इसको एज ए मेडिसिन यूज किया गया, उसके बाद इसको एज ए बीवरेज या पेयजल के रूप में